हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे के जो अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ALP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने वाले हैं, SSC GD का एग्ज़ाम भी होने वाला है, RPF का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो आने के चांसेस बनते हैं क्वेश्चन जनरल साइंस का, उनका मैंने प्रैक्टिस सेट के टाइप में आप लोगों के सामने लाने का, मतलब ये सोचा है कि आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट टाइप में लाऊं। और इसका एक रूल है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग अपना मन में आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। कृपया करके ऐसा प्यार जो आप लोगों से हमें मिल रहा है, ये बनाए रखिए और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, सी घनत्व के बराबर या डी भार के बराबर। आप लोगों के सामने 3 सेकंड का समय है, आप लोग मन में आंसर सोच सकते हैं, फिर हम आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आयतन के बराबर। जब कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? को बताना है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो दोस्तों, अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि है हमारा वेग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, सदिश राशि और अदिश राशि की एक शानदार ट्रिक हमने बना रखी है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग 1 सेकंड में बता दोगे कि कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, आप लोग देख लेना। देखते हैं नेक्स्ट। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आप लोग के सामने 3 सेकंड है, मन में आंसर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जड़त्व का नियम। न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। दोस्तों, हम बता दें कि आप लोग वीडियो के अंत में कितना आपका स्कोर बना, आपने कितना टोटल क्वेश्चन जितने भी है कितना आपके करेक्ट बने, उनका कमेंट करके बताना आप लोग कि मेरे इतने मार्क्स बने। अब देखते हैं नेक्स्ट। रडार का आविष्कारक कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। देखते हैं नेक्स्ट। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आप लोगों को बतानी है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर की ओर। नेक्स्ट। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, स्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ए जीवाणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी विषाणु या डी शैवाल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषाणु वायरस। खसरा जो है ये वायरस के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट। केल्प प्राप्त होता है? केल्प कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, केल्प की अगर बात करें तो ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी लीची। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गन्ना। तना काट जो है ये आमतौर पर गन्ने पे ही होता है। आप लोग देखते हैं कि गन्ना को प्रयोग तना को काट के ही किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गन्ना। देखते हैं नेक्स्ट।
किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। देखते हैं नेक्स्ट। गेहूं से संबंधित रष्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? गेहूं से संबंधित रष्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है, आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। अब देखते हैं नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब आप लोगों को बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है निम्न में से। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जीवाणु में नहीं होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु या बैक्टीरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में जो है वो ईंधन का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन नंबर डी वसा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बाकी अगर हम बात करें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, या रतौंधी जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, और विटामिन सी का जो होता है वो होता है एस्कार्बिक एसिड, और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सिफेरॉल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जैसे कि आप लोगों को पता है कि निकेल, क्रोमियम और लोहा से मिलकर बना होता है, तो जब तीन तीन पदार्थ से मिलकर बना होता है तो ये क्या होगा, ये मिश्रण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण। अब देखते हैं नेक्स्ट। कोयला क्या है? तो दोस्तों कोयला की अगर बात करें तो ये तो एक ही तत्व से मिलकर बना है ना, तो कोयला तो एक एलिमेंट ही है, एलिमेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व, कोयला एक तत्व ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन। जे जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और अगर हम बात करें यहाँ जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन जैसे कि पता है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, और रदरफोर्ड की अगर बात करें तो ये परमाणु में नाभिक की खोज, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज खोज की थी। परमाणु की खोज प्रोटोन की खोज नहीं दोस्तों, प्रोटोन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और कितना आप लोगों का स्कोर बना वो भी बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।